केंद्र की मोदी सरकार ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी। ये सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद में एक निश्चित पेंशन देगी। ये पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। बता दें कि ये पूरा वाकया नई पेंशन स्कीम को लेकर भारी विरोध के बीच हुआ, जिसका विपक्षी दलों ने राजनीतिक फायदा भी उठाया। बता दें कि यूपीएस केंद्र सरकार की नई योजना है, जिसके बाद से सरकारी कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस चुनने का विकल्प होगा। तो वहीं देश के कई हिस्सों में ओपीएस भी अभी भी संचालित है। ऐसे में अब ज्यादातर लोगों को ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में अंतर और लाभ के बारे में जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो में हम तीनों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस क्या है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस सरकार के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम है। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों के लिए एक निश्चित पेंशन स्कीम का प्रावधान किया जाएगा। ये नई पेंशन स्कीम से काफी ज्यादा अलग है। इसमें पेंशन की राशि निश्चित नहीं होगी। यूपीएस के तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा, जो लास्ट 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। कर्मचारियों को ये पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल तक की सर्विस करनी होगी। वहीं अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो परिवार को भी एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा, जो कर्मचारियों को मिलने वाले पेंशन का लगभग 60% हिस्सा होगा। तो वहीं जो लोग 10 साल तक नौकरी करते हैं उन्हें भी कम से कम 10,000 रुपये तक की पेंशन दी जाएगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक यूनिफाइड पेंशन स्कीम के 5 मुख्य स्तंभ हैं, यानी कि निश्चित पेंशन, निश्चित न्यूनतम पेंशन, निश्चित पारिवारिक पेंशन, इन्फ्लेशन इंडेक्शन बेनिफिट और ग्रेच्युटी। अब यूपीएस और एनपीएस में अंतर की बात करें तो कैबिनेट सचिव टीबी सोमनाथन ने बताया है कि बकाया राशि पर 800 रुपये खर्च होगा और पहले साल में इसे लागू करने पर सरकारी खजाने पर करीब 6,250 करोड़ रुपये खर्च आएगा। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद में आखिरी वेतन की आधी रकम पेंशन के तौर पर दी जाती थी। इसमें कर्मचारी को बेसिक सैलरी और महंगाई के आंकड़ों से तय होती थी। वहीं पुरानी पेंशन स्कीम में 20 लाख रुपए की ग्रेच्युटी दी जाती थी और रिटायर्ड कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार को पैसा दिया जाता था। इसमें कर्मचारी के वेतन से कोई भी कटौती किए बिना सरकार पूरी पेंशन कवर देती थी। सोमनाथ ने कहा कि आज जो बदलाव किए गए हैं उनमें एक बड़ा अंतर यह है, इस पूरे मामले में आश्वासन दिया गया है और चीजों को बाजार की ताकतों के भरोसे नहीं छोड़ा गया है। अब अगर यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में अंतर की बात करें तो यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ होगा, जबकि एनपीएस से प्राइवेट और सरकारी दोनों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन ओपीएस में सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ मिलेगा। ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, लेकिन एनपीएस और यूपीएस में वेतन का 10% बेसिक प्लस डीए का अमाउंट काटा जाता है। यूपीएस में 10 साल की सर्विसेज पर कम से कम 10,000 रुपये पेंशन का प्रावधान है। ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यूपीएस में कर्मचारी की मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है और ठीक ऐसा ही ओपीएस में भी है, लेकिन एनपीएस में सेवा के दौरान मौत पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, लेकिन एनपीएस के तहत जमा किए हुए पैसे को सरकार जब्त कर लेती है। यूपीएस और ओपीएस का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारी उठा सकते हैं, जबकि एनपीएस का लाभ प्राइवेट और सरकारी दोनों कर्मचारी उठा सकते हैं। सरकार ने एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प रखा है। कोई भी कर्मचारी दोनों स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएगा। एनपीएस में कोई सुनिश्चित पेंशन नहीं था। यूपीएस में 25 साल की सेवा के बाद आखिरी सैलरी का कम से कम 50% पेंशन सुनिश्चित होगा। यूपीएस में 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। एनपीएस में ऐसा कोई भी प्रावधान फिलहाल नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर किन्हें मिलेगा यूपीएस का फायदा। तो बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ये फैसला लेने का अधिकार होगा कि वो एनपीएस में बने रहेंगे या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होना चाहते हैं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा है कि ये योजना उन पर भी लागू होगी जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके हैं। हालांकि यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, लेकिन 2004 से लेकर 31 मार्च 2025 तक एनपीएस के तहत रिटायर हुए सभी कर्मचारी यूपीएस के 5 लाभ के पात्र होंगे। सोमनाथन ने यह भी कहा है कि मुझे लगता है कि 99% से ज्यादा मामलों में यूपीएस में जाना बेहतर होगा। मेरी जानकारी के मुताबिक कोई भी एनपीएस में नहीं रहना चाहेगा। तो यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस पर आपको ये जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।